सो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने फिशर बर्ड को सेल करेंगे मार्केट में जाके और वहां से खरीदेंगे हमारे जावा बर्ड। तो पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आज के वीडियो में आने वाला है बहुत ज्यादा मजा और उसके बाद हमारे किस तरह के बर्ड हमने परचेस करें सब कुछ इस वीडियो के अंदर होगा। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों, ये है हमारी बजीज पैरोट की कॉलोनी और यहाँ पर रखे हुए हैं हमारे फिशर बर्ड जिनको हम लेकर जा रहे हैं सेल करने। कारण क्या है सेल करने का वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये बर्ड्स ने दोस्तों हमारे बजीज के पैर वगैरह काटना स्टार्ट कर दिए हैं, तो यहाँ पर बड़ी दिक्कत हो रही है इनको कॉलोनी में रखने के लिए और आपस में भी ये लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। चलिए इनको लेकर चलते हैं हम लोग यहाँ से मार्केट की ओर सेल करने। सो गाइज, यहाँ पर आ चुके हैं हम नीचे और हमारे ये फिशर बर्ड तैयार हैं इनको ले जाने के लिए। फटाफट से यहाँ पर गाड़ी हमारी रेडी है, गाड़ी पर रखकर फिशर बर्ड को लेकर निकल जाते हैं मैं और मेरे पापा जी मार्केट की ओर। तो चलते हैं, इनको मार्केट में करेंगे सेल, देखते हैं इनका क्या रेट मिलता है वहाँ पर चलकर, क्योंकि फिशर बर्ड का रेट इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कम है। तो चलकर वहाँ पर इनको सेल करते हैं और इनकी जगह पर हम दूसरे बर्ड खरीदेंगे। सो दोस्तों, ये पहुँच चुके हैं हम हमारे भोपाल के लोकल बर्ड मार्केट के अंदर, जिसका कि अभी कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है यहाँ पर बर्ड्स की, जैसा मैंने सुना है। तो ये पहुँच गए हम लोग ये बर्ड शॉप पर। यहाँ पर पहुँच कर अब इनका रेट लेते हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि बजीज का रेट भी बहुत कम चल रहा है, फिशर का रेट, डफ का रेट, जावा का रेट, जितने भी बर्ड हैं उनका रेट बहुत। तो चलते हैं इन हमारे बर्ड्स का रेट पूछते हैं और क्या रेट ये इनका लगाने वाले हैं। सो दोस्तों, ये भाई ने हमारे यहाँ पर बर्ड्स देखे और उसके बाद बर्ड्स की हेल्थ अच्छी है, इसलिए काफ़ी अच्छा रेट हमें यहाँ पर दे दिया। और देख सकते हैं यहाँ पर बजीज वगैरह भी रखे हुए हैं जिनकी कंडीशन बिल्कुल भी इस समय पर सही नहीं है। आप देख सकते हैं बजीज कितने ज़्यादा यहाँ पर बीमार हैं और बहुत ज़्यादा बजीज फूल कर भी बैठे हैं। तो आप मार्केट से इस टाइम पर अगर बजीज खरीदने की सोच रहे हैं दोस्तों, तो बजी बर्ड बिल्कुल मत खरीदिए, क्योंकि मार्केट का बजी बर्ड इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बीमार है। सो दोस्तों, अब बारी थी हमारे फिशर को यहाँ से विदा करने की, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा था बजीज की कॉलोनी के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पूरे ही फिशर जो एक एक करके भाई अपने केज में ले लेते हैं, ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद हमारा जो ये केज है यहाँ पर खाली हो जाता है हमारे पूरे ही फिशर देने के बाद। और अब चलते हैं हम लोग यहाँ से जावा लेने, क्योंकि जावा इनके पास अच्छे नहीं थे। तो जावा हम लेंगे हमारी एक दूसरी बर्ड शॉप से, वहाँ पर चलते हैं और वहाँ से चल के हम लोग जावा परचेस करेंगे। ये वाला इसकी खूबी फाइट है, ये बाकी नॉर्मल वाला नीचे 2000 रुपए जगह, ये फाइट का महंगा है ना। तो ये आ चुके हैं हम लोग दूसरी वाली शॉप पर और यहाँ पर जावा की काफ़ी अच्छी क्वालिटी मुझे देखने को मिल रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि यहीं से क्यों ना जावा परचेस करे जाएं। और दोस्तों, इनके शॉप पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जावा के अलावा भी काफ़ी सारे बर्ड्स अवेलेबल है जिनकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बट मुझे जो मैंने आपको बताया कि बजीज की क्वालिटी भी मार्केट में सही नहीं है, बजीज छोड़ के यहाँ पर जावा देख सकते हैं आप कितने हेल्दी और एक्टिव जावा इनके पास मुझे देखने को मिल रहे थे, इसलिए मैं वहाँ की शॉप को छोड़कर यहाँ पर जो है जावा परचेस करने के लिए आ गया हूँ। तो देख सकते हैं आप ये रखे हुए हैं कुछ जावा, और इन्हीं से मैंने जो है, क्योंकि जावा का उतना ज़्यादा दोस्तों मुझे नॉलेज नहीं है बर्ड के बारे में, तो जावा के बारे में इन्हीं से मैंने बहुत सारी जानकारी ली है बर्ड शॉप वाले भैया से, और इन्हीं से मैंने पूछा कि किस तरह से क्या कौन सा परिंदा लेना चाहिए। इन्होंने एक एक करके यहाँ पर सिलेक्ट करके मुझे निकालते गए और एक एक करके सिलेक्ट करके यहाँ पर देते गए। और गाइस, काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने बहुत सारे बर्ड्स में से हमारे 4 पीस को सिलेक्ट कर लिया। देन चारों पीस काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं, इसमें से 2 मैंने ब्लैक कलर के जावा लिए हैं और 2 वाइट कलर के जावा यहाँ से सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि जावा एक ऐसा पक्षी है दोस्तों जो कि बजीज की तरह ही ब्रीडिंग करता है, इन्होंने मुझे बताया था बहुत ज़बरदस्त ब्रीडिंग करता है। तो अब इस सीज़न में हम लोग जावा की ब्रीडिंग भी लेने वाले हैं। काफ़ी दोस्त भाई कह रहे थे मुझे कमेंट में कि सर आप जावा लेकर आइए और अलग अलग तरह के बर्ड्स परचेस करिए, तो यहाँ पर जावा अब हमारी कॉलोनी में फाइनली आने वाला है। और इसके अलावा भी बहुत सारे बर्ड्स हम लोग लेकर आएंगे, तो आगे जैसे भी हमें अच्छे क्वालिटी के बर्ड्स अगर मार्केट में मिलेंगे तो हम लोग परचेस करके ज़रूर से लाएंगे। तो इस समय पे जावा हमारा फाइनल हो चुका है। अभी जावा की ब्रीडिंग दोस्तों लगभग हम लोग 15-20 दिन इनका कोर्स कराएंगे और उसके बाद इनकी यहाँ पर ब्रीडिंग हम लोग कॉलोनी में ले चल के चालू करेंगे। तो यहाँ पर इनको पेमेंट करने की थी बारी, तो फटाफट से पापा जी और मैंने यहाँ पर इनको पेमेंट करा और देन उसके बाद हमारे बर्ड्स को यहाँ से लेकर हम लोग निकल जाते हैं घर की ओर। सो गाइज, ये पहुँच चुके हैं हम अपने होम सेटअप पर, तो चलिए चलते हैं बर्ड्स को लेकर उनके कॉलोनी सेटअप पर छत के ऊपर। तो गाइस, फाइनली हमारे जो जावा हैं वो आ चुके हैं कॉलोनी के अंदर, उनको लेकर हम लोग आ चुके हैं। और अभी अभी जो है हमारे भोपाल में हो गई बारिश। अब आप सोचेंगे मौसम तो इतना अच्छा है तो बारिश कहाँ से हो सकती है, ऊपर बादल भी नहीं है। पर दोस्तों, बारिश हमारे भोपाल में ही, देखिए यहाँ पर पूरा गीला है, वहां तक गीला है और ये पूरी ही जितनी बगल की छतें सब गीली हो रखी हैं, तो एकदम से पानी गिरा और बंद हो गया।
चलिए चलते हैं कॉलोनी के अंदर और मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि हमारे वो जावा को हमने वहां पर शिफ्ट किया है। दो केज लगे दिख रहे होंगे आपको, सेपरेट सेपरेट हम लोगों ने जो है उन्हें वहां पर शिफ्ट किया है क्योंकि जोड़ा लगाना पड़ेगा वरना उनके पाइट बन जाएंगे। तो चल के सब कुछ दिखाता हूँ अंदर, जावा की क्वालिटी दिखाता हूँ। चलते हैं कॉलोनी के अंदर। सो दोस्तों ये पहुंच चुके हैं हम लोग हमारी बजीज पैरोट की कॉलोनी के अंदर। ऊपर तो बजीज बैठे हुए हैं जैसा कि आपको शोर आ रहा होगा, पर मैं दिखाने वाला हूं अब आपको हमारे जावा। तो ये रहे दोस्तों हमारे जावा, एक पेयर ये और एक पेयर ये। तो अब इनको दिखाता हूं मैं आपको थोड़ा सा क्लोज से। मैंने इनको अलग अलग इसलिए रखा है, ये खन वाला दो खन वाला पिंजरा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर एक खन अलग है और एक खन अलग है, इसीलिए मैंने इनको दोनों को अलग अलग रखा है दोस्तों। अगर इनका जोड़ा आपस में लग जाता, मतलब वाइट और ब्लैक का और वाइट और ब्लैक का, तो हमारी जो है यहाँ पर ब्रीडिंग जो है वो ख़राब हो सकती थी गाइज। मतलब कि जो इनके फिर बच्चे होते वो पाइड में पाइड टाइप के होते। तो यहाँ पर मेल फीमेल मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पर जो बड़ा वाला बैठा हुआ है ये मेल है, ये इसके बगल में फीमेल है, यहीं पर ऐसा अंतर है बिल्कुल। ये बड़ा वाला जो है मेल है और ये फीमेल है। अब मैं इनको क्लोज से आपको दिखाता हूँ। इनकी सुंदरता दोस्तों बहुत ज़बरदस्त होती है, देखिए बहुत सुंदर बर्ड है गाइज ये। मतलब कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था, बहुत दिन से मैं जावा लाने की सोच रहा था और फाइनली हम लोग जावा लेकर आ चुके हैं। फिशर हमने क्यों बेचे वो मैंने आपको बता दिया कारण फिशर को बेचने का क्या था। और ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हमारे जावा का ब्लैक वाला पेयर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ब्लैक की भी खूबसूरती दोस्तों एक अलग ही होती है, मतलब ब्लैक और वाइट दोनों की खूबसूरती अपनी जगह पर एक अलग ही लेवल पर होती है। और मुझे तो गाइस दोनों ही पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। अब इनकी भी हम ब्रीडिंग लेंगे, इनका सबसे पहले तो कोर्स कराएंगे और उसके बाद इनकी ब्रीडिंग लेंगे दोस्तों। तो इनकी ब्रीडिंग क्या कुछ होने वाली है वो सब कुछ आपको अपडेट करूंगा आगे आने वाले वीडियोस के अंदर। जावा आपको कैसे लगे ये मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा दोस्तों। और हमने जो है जावा का यहाँ पर सेटअप अभी कर दिया है इनका जोड़ा लगाने के लिए। मतलब ये जो हमने पेयर रखे हैं ये खाली अभी जोड़ा लगाने के लिए रखें, और जब जोड़ा लग जाएगा तो ये फिर इनकी ब्रीडिंग अलग ही होने वाली है, वो तो सब कुछ आगे आपको दिखता ही रहेगा। वीडियो के साथ बने रहिएगा दोस्तों। इनकी मटकी कब लगने वाली है वो भी आपको बताएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से अगले इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइज।